हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे सूचकांक 2020, ठीक है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट जो 30 सूचकांक है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है आज का, वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है, उसके अंदर भारत का रैंक रहा है 142वां और टॉप पर रहा है नॉर्वे। ठीक है, ये आपको नोट करना है, विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक रहा है 142वां और नॉर्वे रहा है टॉप पर। ठीक है, उसके बाद में विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 है, उसके अंदर भारत का रैंक रहा है वो रहा है 144वां और इस पे फिनलैंड है, ये रहा है टॉप पर। जो कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत की रैंक रही है 144वीं और फिनलैंड रहा है इसकी टॉप पर। ठीक है, आगे है प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 है, इसमें भारत की रैंक रही है 15वीं और टॉप पर रहा है अमेरिका। ठीक है, टॉप पर रहा है अमेरिका और भारत की रैंक रही है 15वीं। आगे चलते हैं, आगे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 के अंदर है वो चीन है, ये इसके अंदर टॉप पर रहा है। ठीक है, भारत की जो रैंक रही है वो रही है थर्ड। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत की जो रैंक है वो रही है तीसरी और जो चीन है उसकी रैंक रही है फर्स्ट। आगे वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत की जो रैंक रही है वो रही है 34वीं और यूनाइटेड किंगडम है ये रहा है टॉप पर। ठीक है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 के अंदर भारत की रैंक रही है 34वीं और यूनाइटेड किंगडम रहा है फर्स्ट पे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 के अंदर जो भारत का रैंक रहा है वो रहा है 168 और डेनमार्क है वो रहा है टॉप पर। ठीक है, आगे जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 है, जलवायु जोखिम सूचकांक जो 2020 का सूचकांक है उसके अंदर जो भारत का रैंक रहा है वो रहा है 5वां। ठीक है, और जापान है ये रहा है टॉप पे। ठीक है, भारत रहा है 5 पर और जो जापान रहा है ये रहा है टॉप पर। ठीक है, आगे है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत का जो रैंक रहा है वो रहा है 9वां और स्वीडन का रैंक रहा है ये रहा है टॉप पे। आगे है फीफा रैंकिंग 2020 है उसके अंदर जो भारत का रैंक रहा है वो रहा है 108। ठीक है, वो बेल्जियम है ये रहा है टॉप पर। ठीक है, आगे है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत का रैंक रहा है वो रहा है 117, स्वीडन है ये रहा है टॉप पे। आगे है विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020, ठीक है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला जो देश है उसके अंदर भारत है ये तीसरे स्थान पर रहा है और फर्स्ट पे कौन रहा है, अमेरिका। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 जो है उसके अंदर भारत का रैंक रहा है 63वां और न्यूजीलैंड है ये रहा है टॉप पर। आगे वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 है इसमें भारत का जो रैंक रहा है 72वां और स्विट्जरलैंड है इसका रहा है फर्स्ट पे। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत का रैंक रहा है 72वां और स्विट्जरलैंड है ये रहा है फर्स्ट पे। आगे है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अंदर जो भारत का रैंक रहा है वो रहा है 43 यानी 43वां और सिंगापुर है ये रहा है टॉप पर। आगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत का रैंक रहा है 40वां और जो अमेरिका है उसका स्थान रहा है फर्स्ट। ठीक है, आगे है स्थिरता सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत का जो है वो रहा है 77वां और जो
अपना इसका है वो फर्स्ट पे रहा है ये, ठीक है। आगे है सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 है, उसके अंदर भारत का जो रैंक रहा है वो रहा है 76वां और डेनमार्क रहा है फर्स्ट पे। सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत का रैंक रहा है 76वां और डेनमार्क है ये रहा है फर्स्ट पे। आगे है शिशु विकास सूचकांक 2020, शिशु विकास सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत की जो रैंक रही है वो रही है 131वीं और नार्वे है वो रहा है टॉप पर। ये भी आपको अच्छे से सारे के सारे नोट करने हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से मिल जाएगा। भारत की रैंक रही है 131वीं, नार्वे रहा है फर्स्ट पे। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 के अंदर जो भारत का रैंक रहा है वो रहा है 112 और जो टॉप पे रहा है वो रहा है आइसलैंड, ठीक है। जो आइसलैंड है ये टॉप पे रहा है और भारत है इसका रैंक रहा है अपने भारत का 112 ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में, ठीक है। आगे है और लास्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 है उसके अंदर भारत का जो रैंक रहा है वो रहा है 84 और जापान है ये रहा है टॉप पर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।